फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, एकदम जायके और जानदार पास्ता। आपको दिखाई भी दे रहा होगा फ्रेंड्स कि वो पास्ता कैसा बना है, एक नंबर का पास्ता बना है जो हम बनाएंगे। और आपको एक बात का ध्यान भी रखना है फ्रेंड्स, अगर ये पास्ते में आपके पास कोई इंग्रेडिएंट्स कम रह जाता है तो वो इंग्रेडिएंट्स आप ना डालें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी रेसिपी है, नुकसान नहीं होगा, खाने में टेस्ट बराबर आएगा। क्योंकि कई आइटम हमारे को प्राप्त नहीं होते हैं फ्रेंड्स, कई लोगों के साथ हैं तो वो आपको पता है और मुझे भी पता है, इसीलिए टेंशन ना लें, मैं हूँ और रहूँगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दें, ठीक है, और मैं ही आपका हूँ दोस्तों राम गणेश। चलो वीडियो में घुस जाते। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिस्टम तैयार कर लिया है, हमने गैस जला दी इसमें से, अब हम इसे गुनगुना कर लेंगे हल्का, तो गुनगुना पानी जाएगा हमारा, ठीक है, तब हम अपना पास्ता डालेंगे। आज हम पास्ता की वीडियो बना रहे हैं अपनी, देखो ये रखा पास्ता, जब तक हम ये ढूंढ देते हैं। पानी गर्म हो जाए जब तक ऐसे ढक देते हैं, उसके बाद इसमें पास्ता ऐड करेंगे, ठीक है। तब तक हम अपनी सब्जियां चेक कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी पानी हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे पास्ता, ठीक है। मैंने पास्ता डाल दिया, अब इसे हम उबाल लेंगे, ठीक है। अब इसे हम बोले छोड़ दिया, ठीक है, इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड, हम चेक करते हैं हमारा पास्ता कैसा हो गया 5 मिनट में। देखिए हमारा पास्ता लगभग हो रहा है, हो ही गया हमारा पास्ता। देखिए हमारा पास्ता हो चुका है लगभग, ठीक है। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और पास्ता रख लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पानी निकाल दिया अपने स्टीम से ही, है ना, फर्स्ट क्लास। अब हमारी सब्जी देख लीजिए आप, प्याज, टमाटर, मटर, आपकी हरी मिर्च, शिमला मिर्च, लहसुन, फ्रांस बीन, हरी प्याज, ठीक है, अदरक, लहसुन जो है, और एक आइटम हमारा और है टमाटर, वो अभी मैं लेके आता हूँ उठा के। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हरी प्याज है, ये हमारा लहसुन, ये हमारे टमाटर, ये हमारे फ्रांस बीन है, ठीक है, और ये हमारी शिमला मिर्च, ये हमारी हरी मिर्च, ये हमारी प्याज, ये हमारी धनिया, ये हमारे गर्म मसाले के पत्ते, ये हमारा लहसुन, ठीक है। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे हैं तैयार, हम बनाने जा रहे हैं अपनी पास्ता की वीडियो। और देखिए फ्रेंड्स, बाकी के मसाले मैं बता देता हूँ, गर्म मसाला हमारा मैगी मसाला, और पिसा हुआ धनिया, अमचूर, हरी लाल मिर्च, जीरा मटर, सिरका और नमक, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और हमारा ये पास्ता देखो रखा हुआ अभी तक, हम इसे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं, हमारा तेल डाल देता हमने, हमारा तेल भी लगभग हो गया है, अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन सबसे पहले, प्याज, गरम मसाले के पत्ते, देख लीजिए हमें प्याज डाल देंगे, और फिर हम डालेंगे हरी प्याज, ठीक है, हरी प्याज डाल रहे हैं, फ्रांस बीन, मटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है, ये सब हमने डाल दिया, हम इसे थोड़ा फ्राई करेंगे, ठीक है, इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, ठीक है, टमाटर में थोड़ा पानी होता है इसीलिए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा
टमाटर डालेंगे, टमाटर में पानी सा होता है इसमें दिक्कत हो जाता है वो, तो इसलिए हम थोड़ा पहले से मोल देंगे, ठीक है, हल्की भुन जाए उसके बाद टमाटर डाल देंगे तो वो दोनों साथ में सब कुछ भुनता रहेगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारे हल्की प्याज हो गई है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा टमाटर हमने काट रखे पहले से, तो हमने टमाटर भी डाल दिए, अब इसी में हम मसाले ऐड करेंगे अपने, सबसे पहले डाल रहे हैं गरम मसाला, ठीक है, फिर हम डाल रहे हैं मैगी मैगी मसाला, और छोटे अजीनोमोटो भी हमने बड़ी सी मिक्स में मिक्स रखी, और पिसा हुआ धनिया, ठीक है, हमारा आमचूर, हम आमचूर डाल दिए, फिर हम डाल दिए इसमें लाल मिर्च, लाल मिर्च डाल देंगे, देखिए आप इसमें डाल रहे हैं अजीनोमोटो, इसमें डालेंगे अजीनोमोटो, और इसमें डाल रहे हैं नमक, ठीक है, ये हमारा नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हमारे सारे मसाले सेट हो गए, लगभग सामान पक भी गया, अब हम इसमें डाल रहे हैं पास्ता अपना, इसी तरह हम इसमें पास्ता डालेंगे, हमारे एक चीज़ मिस हो गई है वो मैं डाल देता हूँ, हल्दी हमारी आगे मिस हो गई, हम इसमें हल्दी डाल दें, हल्दी हमने डाल दी है, और इसमें हम रह गए हमारा सिरका, हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे, ठीक है, देखिए हमने सिरका भी ऐड कर दिया अपनी, इसे एक आध दो मिनट आगे चलाएंगे हम, और उसके बाद हमारा ये तैयार है, ठीक है, हमारे तैयार हो गए एकदम झकास, तो देखिए फ्रेंड दो चार मिनट आपको इस प्रकार ही चलाना है, उसके बाद हमारा पास्ता रेडी है, उसके बाद आपको हम डेकोरेशन करके दिखाएंगे पास्ता की, क्योंकि अब हम कस्टमर को सर्व करते हैं तो डेकोरेट करके ही देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जितना डेकोरेशन करके दोगे उतना अच्छा पैसा आपको प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा पास्ता बहुत जानदार बन चुका है, खाने के तैयार है, अब आप चाहे इस पर बस धनिया डाल के डेकोरेट कर सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं कैसे, इस तरीके से आप इस पर धनिया डाल के इसे डेकोरेट कर सकते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं धनिया डाल के, और ये एक और ये जानदार जायकेदार लगता है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा बन चुका है काफी जहर एक नंबर का, ये देखिए ये हमारा डन हो गया। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई आइटम कम हो जो हमने डाला है तो आप उसको स्किप कर दें, मतलब उस सामान को नहीं डालें, तब भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि घरों में तो सामान सारा उपलब्ध नहीं होता जो हम दुकानों के पास हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दें।